Assalamualaikum and hello everyone, कैसे हैं आप सब? मैं हूँ रूमा और मैं बनाती हूँ ब्यूटी एंड DIY ट्यूटोरियल्स. आज की हमारी वीडियो है स्किन वाइटनिंग के बारे में. हमारे एशिया में तो कुछ ज़्यादा ही क्रेज़ है गोरे रंग का. माएँ अपने बच्चों के लिए जो लड़की ढूंढती हैं तो बोलती हैं पतली लंबी और गोरी हो. तो हम गोरे होने वाला सीन जो है अभी कवर कर लेते हैं, पतली होने वाला सीन ज़रा बाद में कवर करेंगे. मार्केट में बहुत सारे क्रीम्स लोशंस अवेलेबल हैं स्किन वाइटनिंग के लिए, लेकिन उनमें बहुत हार्श केमिकल्स होते हैं जो कि शदीद प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं, स्किन कैंसर जैसी बीमारियां दे सकते हैं आपको. तो हम जो सीरम बनाने जा रहे हैं वो ना सिर्फ टोटली ऑर्गेनिक है बल्कि काफ़ी इनएक्सपेंसिव भी है. तो चलिए बनाते हैं अपना मैजिकल सीरम जो ना सिर्फ आपकी स्किन करेगा गोरी गोरी बल्कि आपकी स्किन के डार्क स्पॉट्स, एक्ने वगैरह की प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर देगा. सबसे पहले हमें चाहिए एक इस तरह की प्याली या बाउल, एक क्यू टिप या कोई चम्मच भी ले सकते हैं आप, उसके अलावा एक एम्प्टी कंटेनर. उसके अलावा हमें चाहिए विटामिनी कैप्सूल्स. विटामिनी स्किन के लिए बहुत नरिशिंग होता है. यह आपके स्कार्स हल्के कर सकता है, आपकी स्किन पर जो डार्क स्पॉट्स हों वो गायब करेगा, आपकी रिंकल्स ठीक कर देगा. मैंने लिए ही ईवियन के विटामिनी कैप्सूल्स. उसके अलावा हम लेंगे रोगन अरंड, जिसको हम नॉर्मली कैस्टर ऑयल के नाम से जानते हैं. कैस्टर ऑयल जो है वो न्यूट्रिएंट्स का ख़जाना है. इसके इतने सारे बेनिफिट्स हैं कि मैं आपको बता भी नहीं सकती. इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं. ये हमारी जिल्द को रिपेयर करता है, हमारी स्किन को लाइटन करता है, हमारे एक्ने ठीक करता है, हमारे निशान ठीक करता है, इवन टोन करता है, स्किन को ब्राइट करता है. इसके बाद हम लेंगे टी ट्री ऑयल. टी ट्री ऑयल लिया है, आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं. टी ट्री ऑयल एंटी बैक्टीरियल होता है, आपके स्किन के अंदर से जरासीम मारेगा, आपके ब्लैक हेड्स रिमूव करेगा, एक्ने ठीक करेगा, स्किन सॉफ्ट करेगा. और इसके बेशुमार फ़वाद हैं जो कि मैं इस एक वीडियो में तो बता नहीं सकती. आप गूगल करेंगे तो आप पढ़ते पढ़ते थक जाएंगे. तो हम टी ट्री ऑयल लेंगे. उसके बाद हम लेंगे लेमन. लेमन तो बचपन से सुनते आ रहे हैं, टैनिंग रिमूव करने के लिए, स्किन लाइटनिंग के लिए, एक्ने के लिए, मतलब इसके बेशुमार फ़वाद हैं. इसमें सिट्रिक एसिड होता है, इसमें विटामिन सी होता है. ये आपके जो पोर्स ब्लॉक हुए हुए होते हैं उन्हें खोलता है, आपके दाग धब्बे ख़त्म करता है, आपकी स्किन का कलर लाइट करता है. तो इस प्रोसेस के लिए हमें चाहिए होंगे 6 विटामिन ई के कैप्सूल्स. या आप खुला विटामिन ई ऑयल ले रहे हैं तो एक टीस्पून, 1 टीस्पून लेंगे. लेकिन क्योंकि मैं कैप्सूल्स यूज़ कर रही हूँ तो मैं 6 कैप्सूल्स लूँगी और उनको ओपन करके उनमें से विटामिन ई ऑयल जो है उसको प्याली में निकाल दूँगी. ठीक है, 6 हो गए. ये देखिए ऐसे क्लियर होते हैं. अब हम इनको काट के इनका सारा जो ऑयल है उसको प्याली में डाल देंगे. एहतियात से डालिएगा कि ज़ाया ना हो. ये क्लियर ऑयल होता है. इसके बाद हम अपना लेमन काटेंगे और एक लेमन मीडियम साइज़ का. अगर आपकी स्किन बहुत सेंसिटिव है तो आप कोई छोटे साइज़ का ले लीजिए. मैंने लेमन भी ऐड कर लिया है. उसके बाद मैं लूँगी ऑलमोस्ट 1/2 टीस्पून ऑफ टी ट्री ऑयल. उसके बाद हम लेंगे 1 टीस्पून ऑफ कैस्टर ऑयल. यह हम एक ढकना लूँगी क्योंकि मुझे आइडिया है, मैं ये सीरम पहले भी बना चुकी हूँ. तो मैं एक ढकना या 1 टीस्पून ऑफ कैस्टर ऑयल लूँगी और इसमें ऐड कर दूँगी. अच्छा, विटामिन ई ऑयल काफ़ी ठीक होता है. ये सब की कंसिस्टेंसी चेंज है, कोई गाढ़ा है कोई पतला है. तो आप यूज़ करने से पहले हमेशा इसको अच्छे से शेक कर लीजिएगा ताकि सब मिक्स हो जाए. अब मैं इसको मिक्स कर रही हूँ. आप देखें सब चीज़ें आपको अलग अलग दिखेंगी. इसको अच्छे से मिक्स कर लें, बल्कि मैं इसको कंटेनर में डाल के ही मिक्स कर लूँगी. इसको जल्दी 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 कंटेनर में डालूँगी. ये हमारा सीरम रेडी है. इसको जो है हम अच्छे से शेक शेक कर लेंगे. यस इसको अच्छे से शेक कर लेंगे तो ये थोड़ा वाइटिश दूधिया जिसे कहते हैं वो कलर बन जाएगा इसका.
इसको आप शुरू में दिन में एक बार यूज़ करें और उसके बाद आप सुबह और रात को सोने से पहले इसको अप्लाई करें। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल पर ज़रूर सब्सक्राइब करें, गिव अ थम्स अप और अच्छा सा कमेंट करें कि आपको नेक्स्ट DIY क्या चाहिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। टेक केयर। बाय।